हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी स्टडी। दोस्तों, कुछ दिनों पहले जो है 12th का रिजल्ट लग गया, और जिन्हें डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेना है उनके लिए जो एडमिशन 3/6/2019 से यानी कि स्टार्ट ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। पर जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ पर 2 या 3 ही दिन बचे हैं ये मतलब जो है आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो इसलिए जो है एक फाइनल वीडियो मैं बना दे रहा हूँ, जिससे कि किसी मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना बचे जिसको एडमिशन लेना हो और उसे ये पता ही नहीं कि जो है एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। आज हम देखेंगे क्या एलिजिबिलिटी होती है डिप्लोमा इन फार्मेसी के एडमिशन के लिए, और साथ ही साथ कंप्लीट शेड्यूल देख लेंगे कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स है, कब से कब तक आपको यहाँ पर सब कुछ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी से। तो यहाँ पर देखिए, सिंपली आपको जो डॉक्यूमेंट है वो दिख रहा होगा, उसमें सिंपल मेंशन किया है अगर आपका मैथमेटिक्स नहीं भी हो फिर भी जो है आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के साथ, और आपका अगर बायोलॉजी नहीं भी हो सिर्फ और सिर्फ मैथ हो फिर भी जो है आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए हम इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो कि स्टार्ट हुआ था 3/6/2019 से, और लास्ट डेट है आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की यानी कि आपको जो किट खरीदनी होती है उसकी, वो है 19/6/2019। तो अब इसकी प्राइस क्या होगी, तो जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी जनरल कैटेगरी का किसी भी स्टेट का अगर कैंडिडेट है तो उसके लिए यहाँ पर फ़ी होने वाली है 400 रुपये, और आपकी कोई अदर देन जनरल यानी कि ओपन कैटेगरी के अलावा अगर कोई भी SC NT VJ OBC जो कोई भी SBC ASBC जो भी आपकी कैटेगरी हो उसके लिए 300 रुपये फ़ीस यहाँ पर रखी गई है। फ़ीस जो है आप ऑनलाइन पेड कर सकते हो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, साथ ही साथ नेट बैंकिंग से भी आप ये पेड कर सकते हो, और फ़ीस जो है बिल्कुल नॉन रिफंडेबल होती है। तो पहली डेट हमने देखी 3/6/2019, तो इसी दौरान आपको जो आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी करना है, जितने के सारे आपके डॉक्यूमेंट है वो सब आपको FC यानी कि जो आपका सेंटर है जहाँ पर आप किट परचेस कर रहे हो वहीं पर आपको जो है सब कुछ डॉक्यूमेंट स्कैन कर वहाँ पर आपको वेरीफाई करने होते हैं। उसकी भी डेट जो है 19 तक दी गई है। इसके बाद जो 20/6/2019 को एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी। अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होती है, यानी कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो सब कुछ बराबर है या नहीं, ये उस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपको बताया जाएगा, और आपका ऑल ओवर महाराष्ट्र में कितना नंबर है आपके मेरिट के अनुसार या फिर आपके परसेंटेज के अनुसार वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में बताया जाएगा। और अगर आपके नाम उसमें नहीं आता है या फिर आपके नाम के सामने कुछ क्यूरी लिख कर आती है कि आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है या फिर कोई आपका डॉक्यूमेंट कम रहा, तो वहाँ पर आपको सब पता चल जाएगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। उसके बाद नेक्स्ट डे से यानी 21 से यानी कि 21/6/2019 से तो 22/6/2019 शाम 5 बजे तक आपका जो कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर कम हो या फिर आपका नाम अगर लिस्ट में नहीं आया है तो आप उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हो वही FC पर जाके, यानी कि जहाँ आपने रजिस्ट्रेशन किया है वहाँ जाकर आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हो या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट कम हो वो सबमिट कर सकते हो। इसके बाद 24/6/2019 यानी 24/6/2019 को जो है फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। ये जो मेरिट लिस्ट होगी उसमें आपको जो मेरिट नंबर मिलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की मेरिट नंबर के अनुसार आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है ये आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। इसके लिए आप सिंपली कट ऑफ लिस्ट चेक कीजिए या फिर मैंने जो कट ऑफ की वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर की वो चेक कर लीजिए, उतने मेरिट नंबर पर लास्ट ईयर कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था वही कॉलेज आपको मिल सकता है या फिर उससे आज कोई आसपास का कॉलेज आपको मिल सकता है। नेक्स्ट डेट जो है वो है 24/6/2019। इस दिन से यानी कि 24 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि कैप राउंड 1 के लिए कितनी सीट्स है, ये 24/6 को आपको पता चल जाएगा। उसके बाद 25 से तो 27 तक के आपको कैप राउंड 1 के लिए कॉलेज भरने हैं, यानी आपको कौन सा कॉलेज चाहिए आप वो वहाँ पर फिल कर सकते हो कैप राउंड 1 के लिए। आप अपने मतलब पोर्टल में लॉगिन कर जो है आपको जो जो कॉलेज चाहिए उसके कोड नंबर वहाँ पर डाल सकते हो और उन्हें सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसकी लिस्ट कब लगेगी यानी कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है वो लिस्ट लगने वाली है 29/6/2019 को। बाद आपको 1 तारीख से लेकर तो 4 तारीख का वक्त दिया गया है, यानी 1/7/2019 से लेकर 4/7/2019 तक आपको जो कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो वहाँ पर जाकर आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो एडमिशन लीजिए, फ्रीज करना चाहते हो, फ्लोट करना चाहते हो वो आपको 4 तारीख तक करना होगा, और अगर आपका कहीं नंबर नहीं लगा है तो आप सिंपली कैप राउंड 2 के लिए फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका कैप राउंड 1 में आपने जो फर्स्ट कॉलेज डाला था, जो फर्स्ट प्रेफरेंस डाला था वही अगर आपका नंबर लगता है तो आपको वहाँ पर डायरेक्ट ऑटो फ्रीज हो जाता है, यानी कि आपका एडमिशन वहाँ पर डायरेक्टली कंफर्म हो जाता है और आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होते। इसलिए अगर आप पहला कॉलेज जो डाल रहे हो वो बिल्कुल ध्यान से डालिए,
क्योंकि वहाँ पर आपको एडमिशन लेना ही लेना है। फिर 6 तारीख को कैप राउंड 1 में कितनी सीट भरी गई है और कितनी बची है सेकेंड के लिए, उसके लिए लग जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक के यहाँ पर जो है फॉर्म कैप राउंड सेकेंड के लिए फिर से कॉलेजेस डाल सकते हो। 11 तारीख को आपको कैप राउंड सेकेंड में कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है इसकी लिस्ट लग जाने वाली है। और 12 तारीख से लेकर तो 15/7/2019 तक के आपको यहाँ पर टाइम दिया गया है उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। फिर से 17/7/2019 को जो यहाँ पर थर्ड राउंड के लिए कितनी सीट बची है उसकी लिस्ट यहाँ पर लग जाएगी। और 18 से लेकर 20 तक के आप जो है थर्ड राउंड के लिए फॉर्म भर सकते हो। और कैप राउंड 3 की लिस्ट जो है 22 तारीख को लगेगी। और 22/7/2019 को जो है यहाँ पर थर्ड राउंड की यहाँ पर प्रोविजनल अलॉटमेंट यानी आप कहाँ अलॉट हुए हो, कौन सा कॉलेज आपको मिला है, उसकी लिस्ट लगेगी। फिर 23/7/26 को जो है उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा। और आगे क्या डिटेल्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, किस तरह काउंसिलिंग राउंड होगा, कहाँ होगा, कैसे आपको उसमें एडमिशन लेना है, क्या टेक्निक्स है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।